सबसे बड़ी खबर जो है वो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आज हुआ है। वीडियो बदले गए हैं और 2 SP समेत 24 पुलिस अधिकारी जो है वो बदलेंगे। इसके अलावा 5 जिलों के DC राज्य सरकार बदलने जा रही है। और इसके अलावा आज प्रतिभा सिंह का दर्द भी छलका है। क्यों उनका दर्द छलका है? जिस प्रकार से लगातार सरकार में संगठन को महत्व देने की वो बात कर रही है, आज खुलकर उन्होंने जो है वो एक बड़ा बयान दिया है, वो आपको बताएंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं बर्फबारी को लेकर के, जो किसान बागवान काफी लंबे समय से आस लगा रहे थे, अब उनके लिए अच्छी खबर है। जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से ऑरेंज अलर्ट आया है, यानी भारी से भारी वर्षा और बर्फबारी होने वाली है आज रात से प्रदेश में। अधिकतर जगहों पर मौसम करवट बदलेगा। संक्षेप में सारी खबरें आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 2 SP समेत 24 पुलिस ऑफिसर राज्य सरकार बदलने जा रही है। और पिछले कल CM सेक्रेटरी होम की मीटिंग हुई है, जिसमें प्रपोजल 47 लोगों को बदलने का था, लेकिन जो फाइनल सूची है उसमें 24 पुलिस ऑफिसर जो है वो बदले जाएंगे। इसमें बड़ी खबर यह है कि सीएम के पास जो कह सकते हैं सीएम के पास जो फाइल भेजी गई है उसमें 24 पुलिस ऑफिसर हैं। आज भी देर शाम तक इसकी लिस्ट जारी हो सकती है और कल तो 100% जो है वो लिस्ट जारी होगी। ऊना के जो DC हैं अरिजीत सेन ठाकुर, इनका बदलना तय है। यानी जो 2 हमने आपको SP बदलने की बात की है, ऊना के जो SP हैं उनका बदलना तय है अरिजीत सेन ठाकुर का। इसके अलावा कांगड़ा से शालिनी अग्निहोत्री, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इनको भी राज्य सरकार बदल सकती है। 2 हमने आपको बता दिए जो SPs हैं ये बदल सकते हैं, और इसके अलावा 24 जो बड़े अधिकारी है पुलिस के ये भी बदले जाएंगे। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM कौन होगा। आपको मालूम है वरिष्ठ IAS अधिकारी भरत खेड़ा जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, कल वो हिमाचल प्रदेश से रिलीव हो जाएंगे। 1 फरवरी को दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग है। ऐसे में अब कौन नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM होगा प्रदेश में, यह एक बड़ा सवाल है। आपको 3 बड़े ऐसे IAS अधिकारी हम बताते हैं जिनके नाम चर्चा में हैं, राकेश कंवर, देवेश कुमार और ओंकार शर्मा। ये 3 ऐसे बड़े IAS अधिकारी है, इन तीनों में से एक को जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जो CM है उनको बनाया जा सकता है। तो ये एक और बड़ी खबर थी। बाकी कल इसको लेकर के जो है वो नाम फाइनल आ जाएगा, शाम तक जो ऑर्डर है वो हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, होमगार्ड जो है वो वेतन के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें प्रदेश में लगभग 6,500 के करीब होमगार्ड हैं। बीते 4 माह से कई जगहों पर जो है वो सैलरी नहीं मिली है होमगार्ड को, और 3,000 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी जो है वो रुकी हुई है। आप समझिए जो 6,500 के करीब प्रदेश में होमगार्ड हैं, इनकी सैलरी कुछ एक को मिल गई है सैलरी, 3,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है, जो चौकी थानों में अटैच हैं। अब देखना पड़ेगा कब तक इनकी सैलरी जो है वो सरकार देती है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, 27,000 के आसपास इनकी सैलरी है, घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। तो होमगार्ड वेतन के लिए तरस रहे हैं और अब इनको आस है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी जो है वो रिलीव करें। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, 5 जिलों में 3 साल से जमे DC बदलने जा रहे हैं। और ये जो प्रशासनिक फेरबदल है या तो आज रात तक हो जाएगा या कल तो जो है वो 100% होगा, क्योंकि कल आखिरी तिथि है जो IAS अधिकारियों बदलने की। हम क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं, ये जो प्रशासनिक फेरबदल है कई पुलिस ऑफिसर भी बदलने जा रहे हैं, आपको मैंने बता दिया। अगर आज शाम तक नहीं बदले पुलिस ऑफिसर तो कल ये बदल जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर हिमाचल में भी हिमाचल में भी आज या कल बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। ECI ने राज्यों को जो चिट्ठी जारी की है उसमें एक ही स्टेशन पर 3 साल पूरा करने वाले अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहला बदला जाए, साफ तौर पर लिखा गया था। खास तौर पर वह ऑफिसर जो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव में ड्यूटी देने वाले हैं उन्हें हर हाल में बदला जाए, ये ECI ने कहा है। अब ECI के आदेशों के बाद शिमला के जो DC हैं आदित्य नेगी, शिमला, ऊना, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के जो DC जो बदलेंगे, आदित्य नेगी, राघव शर्मा, आशुतोष गर्ग, अरिंदम चौधरी, निपुण जिंदल, ये ऐसे DC है जिनका बदलना तय माना जा रहा है। और आज शाम हो सकता है, कल तो 100% जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी, 100% लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि कल जो है वो
बदलने तय हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या जिलों में बेहतर कार्य कर चुके इन आईएएस ऑफिसरों को बदलकर दूसरे जिला में तैनाती मिलती है या फिर वापसी इनको शिमला बुलाया जाता है। ये गेंद सीएम के पाले में है। सीएम चाहे तो किसी और जिला में इनको भेज सकते हैं या फिर वापसी शिमला बुला सकते हैं। आपको बता दें जिस प्रकार से निपुण जिंदल की बात कर लीजिए, आशुतोष गर्ग की बात कर लीजिए, राघव शर्मा की बात कर लीजिए, इसके अलावा शिमला के डीसी की बात कर लीजिए या फिर मंडी के डीसी की बात कर लीजिए, सभी डीसी ने अच्छा काम किया है जब आपदा प्रदेश में आई थी। ऐसे में हो सकता है कि इनको किसी और जिला में भेज दिया जाए, क्योंकि जो ईसीआई है वो ये कह रहा है चिट्ठी में कि ऑफिसर्स को बदला जाए। ऐसे में एक जिला के जो डीसी हैं उन दूसरे जिले में जाकर के उनको तैनाती दी जा सकती है डीसी के ही रूप में। तो एक बड़ी खबर थी। और पुलिस महकमे का हमने बता दिया है कि पुलिस महकमे में दो एसपी बदल रहे हैं, जो अभी तक की सूचना है। सीएम के पास फाइल गई है, उस पर जो है वो सीएम ने आखिर हरी झंडी देनी है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 78 मेडिकल ऑफिसर आज बदले गए हैं, डॉक्टर्स बदले गए हैं। खाली चल रहे स्वास्थ्य संस्थानों को भी जो है वो डॉक्टर मिल गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने यह अधिसूचना आज जारी की है। लंबे समय से जो डॉक्टरों के तबादले नहीं हो पाए थे, आज उनको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और सभी डॉक्टरों को यह कहा गया है कि वो तुरंत नए स्टेशन पर ज्वाइन कर दें। यानी प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था कि जो है वो कह सकते हैं कई जो ऐसे अस्पताल है जहां पर डॉक्टर ही नहीं है, तो वहां पर भी डॉक्टर अब भेज दिए गए हैं ताकि जनता को सहूलियत मिल सके। तो आज जो है वो कुछ एक जो हमने बता दिया आपको खबर में कि जो डॉक्टर्स बदले हैं, कहां इनको नया जो स्टेशन मिला है वहां इनको ज्वाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बात करें इंदौरा की, तो इंदौरा में मिट्टी में दबने से एक युवक की मौत हुई है। काफी दुखदायी खबर है। समाल गांव में जेसीबी से पहाड़ की कटिंग चल रही थी और खुदाई करते समय अचानक पहाड़ी से मलबा जेसीबी पर आ गिरा। राजेंद्र कुमार ने बचने के लिए जेसीबी से बाहर छलांग लगाई, इसी दौरान मिट्टी की चपेट में वो आ गया और मिट्टी के नीचे दबने से उसकी दुखदायी मौत हुई है। मौके पर ही मौत हो गई है और जो दूसरा व्यक्ति उसमें सवार था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। काफी दुखदायी खबर है। जिंदा व्यक्ति दब गया, उसके बाद उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बचने की कोशिश उसने जरूर की लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाया। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, शिमला में चुनावी रणनीति जो है वो कांग्रेस बनाने जा रही है, राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस बनाने जा रही है। बता दें आपको, कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के सभी राज्यों के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी शिमला पहुंचेंगे और ये जो मीटिंग है ये वीरवार को पीटर हॉफ में होगी। पहले मंथन होगा और इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा सभी अनुसूचित जाति के जो कांग्रेसी विधायक है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये बड़ी बैठक है जी, और पूरे देश के जो अनुसूचित जाति के जो बड़े नेता है जिनको जिम्मा दिया गया है पूरे स्टेट में कि आप यहाँ पर जो है वो काम करिए, वो सारे शिमला आ रहे हैं और यहीं पर बैठक होनी है। जो लोकसभा चुनाव आगामी समय में आने वाले हैं उसी को लेकर के चर्चा होनी है। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के, प्रतिभा सिंह का आज दर्द छलका है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्होंने अपील भी की है कि सरकार में संगठन को नज़रअंदाज न किया जाए। प्रतिभा ने फिर से ये जो बड़ा मामला है उठाया है कि जो संगठन के लोग हैं उनको भी सरकार में नियुक्तियां मिले। और मीडिया से बातचीत में जो है वो प्रतिभा सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वर्करों को सरकार में नियुक्ति देने का जो मसला है वो उन्होंने एक बार फिर से आज उठाया है सीएम के समक्ष। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने इस पर बात की है, उनको बाकायदा सूची भी दी गई है मगर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वर्करों को सम्मान नहीं मिला तो वो घर बैठ जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव कैसे हम जीतेंगे। इस पर सीएम से भी उन्होंने सवाल किया है लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आप कह सकते हैं कुल मिला के कि उनका दर्द छलका है कि जो संगठन के लोग हैं, कह सकते हैं जो पीसीसी के लोग हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको भी सरकार में तवज्जो मिले। जिस प्रकार से काफी पद खाली चल रहे हैं, कई जो है वो कई जगहों पे लगने, महिला आयोग हो गया, बहुत सारे ऐसे पद है जो खाली चल रहे हैं, वहां पर खाली पद भरे जाने हैं। हालांकि एपीएमसी का पद खाली चल रहा था, वहां पर भर दिए गए, धीरे धीरे पद भरे जा रहे हैं। इनका यह कहना है कि जो संगठन के लोग हैं उनको भी पार्टी में रखा जाए, इसके माफी चाहूंगा सरकार में उनको तवज्जो दी जाए। इसके अलावा बात करें लोकसभा की, जो एक सीट खाली चल रही है इसको लेकर के प्रतिभा सिंह का आज बड़ा बयान आया है। जिस प्रकार से आपको हमने कल बताया था, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम चर्चा में है और आज प्रतिभा सिंह ने भी कहा है कि अगर सोनिया गांधी चाहे तो वो इस सीट से, जो एक सीट खाली हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में और उससे पहले 29 फरवरी को फाइनल हो जाएगा कि कौन जो राज्यसभा सांसद होगा नया। तो अब आज जो बयान दिया है प्रतिभा सिंह ने, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी चाहे या फिर
कह सकते हैं प्रियंका गांधी चाहे तो वो हिमाचल प्रदेश से सांसद बन सकती है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, जो बर्फबारी की आस में लोग बैठे हुए हैं, आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बर्फबारी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिस प्रकार से आपको बता देंगे इसके बाद कि कब बर्फबारी होने की संभावना है, रात से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है उस पर आज जो है वो बड़ा बयान दिया है सीएम ने, कहा है कि ईश्वर करें कि यहां पर जल्दी से जल्दी बर्फबारी और बारिश हो जाए, इससे किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी, इस समय प्रदेश में बर्फबारी की बेहद अधिक जरूरत है। यानी सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी तैयारियां पूरी है, बर्फबारी हो जाती है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या फिर जिलाधीश हो, सबको आदेश दिए गए हैं कि आप अच्छे से कार्य करें, कोई लोग फंसे ना, कोई पर्यटक फंसे ना, लेकिन बर्फबारी हो जाए, इंद्रदेव से सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि बर्फबारी हो जाए। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, तो शिमला में इन दिनों पिछले कल और आज अभी भी जो है वो चली हुई है विधायक प्राथमिकता की बैठक, सभी जिलों के जो कह सकते हैं आप एमएलएज हैं वो शिमला पहुंचे हुए हैं, सीएम के समक्ष अपने अपने जिलों की जो कह सकते हैं अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी प्रायोरिटी वो बता रहे हैं। आज सीएम ने इस पर बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो विधायकों के सुझाव है उसको बजट में शामिल किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि विधायक प्राथमिकता पर विधायकों की ओर से जो बेहद महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, इनमें से कई सुझावों पर निर्णय ले लिया गया है और वहीं कई सुझावों को बजट में शामिल भी किया जाएगा, सीएम ने यह कहा है। विधायकों के सुझाव से बजट बनाने में काफी सहायता मिलती है और जो सुझाव दिए गए हैं बहुत जल्दी यही सुझाव जो है वो विधायकों के जो बजट सत्र जब होगा उसमें देखने को मिलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है इसी में। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, इसी साल 318 स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो रिटायर हो जाएंगे और बिना मुखिया के जो है वो फिर सरकारी स्कूल हो जाएंगे। आपको मालूम है प्रदेश में काफी जगहों पर अभी प्रिंसिपल नहीं है, कांगड़ा से 70 प्रिंसिपल सेवानिवृत्त होंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल की जो सूची है वो डाल दी है। 60% स्कूलों में अभी भी जो है वो पद खाली चल रहे हैं, कह सकते हैं जहां पर प्रॉपर एक प्रिंसिपल नहीं है, किसी को एडिशनल चार्ज जरूर दिया गया है, प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं है। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल प्रमोशन की जो सूची है वो तैयार करने शुरू कर दी है और 50-50 फीसदी कोटे के साथ जो है वो प्रिंसिपल ट्रांसफर होगी। इसमें लेक्चरर और हेडमास्टर जो है वो कह सकते हैं 50% लेक्चरर का कोटा होगा और 50% हेडमास्टर का कोटा होगा, यानी जो प्रिंसिपल रिटायर होंगे उनकी जगह जो है वो नए प्रिंसिपल रखे जाएंगे। इसमें जो एलिजिबल लेक्चरर हैं और हेडमास्टर हैं वो फिर आगे कह सकते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था। इसके अलावा सरकार ने आज 30 वीडियो बदले हैं, आपको बता दें कहां कहां पर वीडियो बदले गए हैं, जो पूरी सूची आपको बता देते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने जो है उसको लेकर के आदेश जारी किए हैं। ओम प्रकाश जो बीडीओ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं जिला मिशन मैनेजर NRLM, इनको DRDA चंबा का जो प्रोजेक्ट है डायरेक्टर NRLM, इनको सोलट के पद पर लगाया गया है। इसके अलावा बात करें अस्मिता बीडीओ एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NRLM हमीरपुर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर NRLM से कांगड़ा के पद पर जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा चंद्रवीर ये बीडीओ एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NRLM थे, इनको कांगड़ा के इसी पद पर जो है वो हमीरपुर के लिए तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा अनिल कुमार बीडीओ डेवलपमेंट ब्लॉक भरमौर को बीडीओ बाली चौकी लगा दिया गया है और तविंद्र कुमार छुरिया को बीडीओ कांगड़ा को जो है वो अब बीडीओ का ग्रेड लगा दिया गया है। राकेश कुमार बीडीओ बैजनाथ को द्रंग, विनय कुमार बीडीओ द्रंग को बैजनाथ, सिकंदर बीडीओ लंबागांव को बमसन, हरिचंद अत्री बीडीओ हमीरपुर को लंबागांव, वीरेंद्र कुमार बीडीओ परागपुर को हरोली, मुकेश कुमार बीडीओ हरोली को परागपुर, कंवर सिंह बीडीओ रैत को सलूनी, महेश चंद बीडीओ सलूनी को रैत भेजा गया है और श्याम सिंह बीडीओ नगरोटा सूर्या को मंडी सदर, चेतराम बीडीओ मंडी सदर को नगरोटा सूर्या, इसके अलावा केहर सिंह बीडीओ कुल्लू को बल के लिए तब्दील किया गया है। इसी तरह बशीर बीडीओ बल को तब्दील करके जो है वो नगरोटा बगवा भेजा गया है। नियोन धैर्य शर्मा बीडीओ भुंतर को नालागढ़, गौरव जिमान बीडीओ नालागढ़ को भुंतर, मान सिंह बीडीओ धनोटू को बंजार, केसर सिंह बीडीओ कुल्लू को पंचरुखी, इसके अलावा अंकित कोटिया बीडीओ मशोबरा को स्टेट हेडक्वार्टर रूरल डेवलपमेंट विभाग और जगदीप सिंह को बीडीओ नारकंडा को धर्मपुर, जगदीप सिंह बीडीओ नारकंडा को धर्मपुर सोलन और स्पर्श शर्मा बीडीओ बसंतपुर को चुराग, करण सिंह बीडीओ जुब्बल को पौंटा साहिब भेजा गया है, सुरेंद्र कुमार बीडीओ बंगाणा को फतेहपुर, सुभाष चंद बीडीओ फतेहपुर को बंगाणा, सुषमा कुमारी बीडीओ नूरपुर को धनोटू, राजेश सिंह बीडीओ नगरोटा बगवा को कांगड़ा भेजा गया है, प्यारेलाल बीडीओ निचार को वहां से बदलकर नारकंडा में स्थानांतरित किया गया है। तो ये 30 ऐसे वीडियोज थे जिनका स्थानांतरण हुआ है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर स्टेशन मिल गया है। तो ये वीडियोज के जो तबादला लिस्ट है इसमें कुछ नाम ऐसे थे जो नए नाम है तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि हुई होगी। और शिमला में दृष्टिहीन संघ का आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है और इन्होंने
तीन घंटे तक जो सर्कुलर रोड है जहां पर सरकार बैठती है सचिवालय में, वहां पर इन्होंने जो है वो पूरे तीन घंटे चक्का जाम किया है। और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक सरकार बैकलॉग आधार पर इनको भर्ती नहीं करती, ये जो संघर्ष है आगे भी जारी रहेगा। उसके बाद जब इन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया और काफी लंबे समय तक आप समझिए जो संजौली से ओल्ड बस स्टैंड के लिए बसें आ रही है, गाड़ियां सब गाड़ियां बसें रुक गई, बिल्कुल इन्होंने जो है वो चक्का जाम कर दिया। उसके बाद इनके तीन चार लोग जो है वो सीएम से मिलने गए, इनको आश्वासन मिला है कि आपको जल्दी से जल्दी हम रखेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाएगा। बैकलॉग आधार पर जो है वो जो भर्तियां हैं उसकी ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द रखा जाए। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि इसमें जो क्राइटेरिया है, जिस प्रकार से जो स्टडी क्राइटेरिया है उसको इसमें ना लिया जाए, इसमें जो क्राइटेरिया लिया जाए वो मेडिकल आधार ही जो है वो क्राइटेरिया में होना चाहिए। ये इन्होंने जो है वो आज बड़ी बात सीएम के समक्ष रखी। अब देखना पड़ेगा सीएम इस पर क्या आगे निर्णय लेते हैं। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, हिमाचल प्रदेश में आज रात से मौसम मेहरबान होने वाला है। बहुत अच्छी खबर है किसानों बागवानों के लिए, दुआ ये कीजिए कि इंद्रदेव बरस जाएं। शाम के समय रोहतांग में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, अभी इस वक्त जो है हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है रोहतांग में। और कल व परसों हैवी स्नोफॉल का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जो अलर्ट जारी किया है आपको बता दें ऑरेंज अलर्ट है। आपको मालूम है तीन अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। इस बार येलो अलर्ट नहीं है, येलो से भी आगे जो है वो ऑरेंज अलर्ट है। तो संभावनाएं हैं कि अधिकतर जगहों पर बर्फबारी होगी। चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। चोटियों में भारी बर्फबारी और थोड़ा जो निचले क्षेत्र है वहां पर हल्की, जो कह सकते हैं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। और इस बार अच्छी खबर यह है कि शिमला सिटी में भी बर्फबारी होने की जो है वो संभावनाएं हैं। कुल्लू, मनाली, इसके अलावा जो और भी काफी जगह है प्रदेश में जहाँ टूरिस्ट प्लेस है वहां पर भी बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। और 3 व 4 फरवरी को फिर से बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें और खबर को लेकर के, एसएमसी का जो क्रमिक अनशन है टीचरों का वो चल रहा है और इनकी मांग यही है कि स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। 2555 के लगभग जो प्रदेश में एसएमसी शिक्षक है काफी लंबे समय से, 12 वर्ष से अधिक समय इनको हो गया है ये सेवाएं दे रहे हैं स्कूलों में। और इनका ये कहना है कि हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में डोडरा, कुमार, पांगी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, अलग अलग भरमौर की बात कर लीजिए, अलग अलग जगह पर हमने सेवाएं दी है। उस वक्त सेवाएं दी है जब एक भी अध्यापक स्कूलों में नहीं था, 80-80 बच्चों को हमने अकेला पढ़ाया है। आज हमारे बच्चे पढ़ाए हुए जो है वो एसडीएम बन गए, अच्छे अच्छे पदों पर चले गए हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे ही स्कूल में आकर के अच्छी पोस्ट पर जो है आ गए हैं, उनसे ही हमें जो है वो छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उनका ये कहना था कि हमारे स्टूडेंट अच्छे मुकाम पर पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन जब हमने स्कूलों में ज्वाइनिंग की उस वक्त के जो हालात थे वो ऐसे थे कि जो गाँव के बच्चे हैं उनको उनको शिक्षक नहीं मिल रहे थे, हमने जो है वो प्रॉपर पढ़ाई करके हम आए थे, तो हमने सोचा कि हमारा भविष्य जो है आगे जाकर के सरकार सुरक्षित करेंगी, तो हमने उस वक्त जो है वो और जो तैयारियां होती है पढ़ाई की वो हम नहीं कर पाए, हम लगातार पढ़ाते रहे। लेकिन आज सरकार हमारी ओर नहीं देख रही है, पैरा वर्कर हो गए, पीटीए वर्कर हो गए, सबको जो है रेगुलर कर दिया गया है, लेकिन हमारे लिए अभी भी स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। अब इनका कहना यह है कि अब आर पार की लड़ाई होगी और सरकार जल्द धक्के खाने के लिए मजबूर हमें ना करें। और जिस प्रकार से शिमला में इन्होंने जब सड़कों पर बैठे हुए थे तो इनकी डिमांड है कि स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, वोकेशनल टीचर पॉलिसी और जो कंप्यूटर टीचर पॉलिसी है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आउटसोर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है जब बजट सत्र होगा, हो सकता है इस बार इनको कुछ एक जो है वो रियायत दी जाए सरकार की तरफ से, रियायत दी जाए। और सीएम ने इनको ये कहा था कि आप रुकिए, आपके लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश में 25,000 से 30,000 के आसपास हैं, ये काफी लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाए। और इनका भी यही कहना है कि सैलरी तो हमारी बहुत कम है ही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5,000 सैलरी है, 8,000, 10,000, 12,000 ऐसी सैलरी है, तो ये भी चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी भले ही आप जिस प्रकार से बढ़ती है, आपको मालूम जब बजट सत्र होता है तो कई बार 1,000 रुपये सैलरी बढ़ती है, 2,000 रुपये सैलरी बढ़ती है, 500, 1,000 रुपये बढ़ती रहती है सैलरी, लेकिन इनका ये कहना है कि जहां पर हम लगे हुए हैं वहां से हमें हटाया ना जाए, कुछ ऐसी जो श्योरिटी है, कुछ ऐसी चीजें हमारे लिए की जाए, ये इनकी डिमांड है। तो ये अब देखना पड़ेगा जब बजट सत्र आगे होने वाला है 14 फरवरी से, उसमें क्या इनके लिए प्रावधान होता है। बाकी एनटीटी भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कैबिनेट का मसला है, कैबिनेट अभी फाइनल नहीं हुई है। जेओआईटी 817-556 पोस्ट कोड और जो 980 ड्राइंग मास्टर है इनको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा जी, और जब तक कैबिनेट नहीं होगी तब तक इसमें कोई नया अपडेट भी नहीं है। बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, नया जो राज्य चयन आयोग है ये अभी शुरू नहीं हुआ है प्रॉपर से, जिस प्रकार से इसमें स्टाफ नहीं रखा गया है, अब देखना पड़ेगा कितना समय और लगता है। फिलहाल इसमें जो नया अपडेट है जीआईटी वाली भर्ती में, ये अभी जब कैबिनेट होगी उसमें इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा क्या कैसे आगे बढ़ा।
बढ़ना है, क्या रिजल्ट निकालना है नहीं निकालना है, ये सरकार के स्तर पर है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, हाई कोर्ट ने भी साफ किया है कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए।